मोहम्मद रिजवान वनडे और टी20 फॉर्मेट में पाकिस्तान के नए कप्तान बन गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों के लिए पाकिस्तान की टीम से बाहर किए गए बाबर आजम, नसीम शाह और शाहिन शाह अफरीदी की ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए पाकिस्तान की टीम में वापसी हुई है। हालांकि ये तीनों ही ऑस्ट्रेलिया के बाद जिम्बाब्वे में होने वाले वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं किए गए हैं। वहीं पाकिस्तान के कप्तान नियुक्त किए जाने के बाद मोहम्मद रिजवान ने अपना एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि वो कप्तान बनने की कोशिश करेंगे, ना कि किंग। रिजवान ने कहा, अगर मैं कप्तान के तौर पर खुद को किंग या राजा समझने लगूं, तो सब कुछ बिखर जाएगा, बल्कि एक नेता के तौर पर मैं टीम के 15 लोगों की सेवा करने के लिए तैयार हूं। ऐसा ही होना चाहिए। उपलब्धियों के बारे में हमारे पास सभी से संदेश और समर्थन है, जो हमसे केवल एक ही बात कह रहे हैं, लड़ो लड़ो और लड़ो। वो हमेशा बार बार यही संदेश हमें भेजते रहते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूरे देश को दिखा सकें कि हम में लड़ने की कोई कमी नहीं है। यहाँ बताना जरूरी है कि बाबर आजम को पाकिस्तान का किंग कहा जाता रहा है। रिजवान एक समय उनके उप कप्तान या यूं कहें कि वो वजीर हुआ करते थे। खैर, अब सब कुछ बदल चुका है। बाबर आजम फॉर्म से जूझ रहे हैं और एक खिलाड़ी के तौर पर टीम में हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB ने पाकिस्तान पुरुष क्रिकेट के लिए केंद्रीय अनुरोध की और नई सूची भी जारी की। वहीं रिजवान के अलावा बाबर ने ए कैटेगरी में अपनी जगह बरकरार रखी है, लेकिन अफरीदी को ए के बजाय बी कैटेगरी में रखा गया है। इंग्लैंड के खिलाफ शान मसूद की अगुवाई में पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज जीती और उन्हें बी कैटेगरी में बरकरार रखा गया है। इसके अलावा पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी। इसके बाद दोनों टीमें 3 T20 मैचों की सीरीज में आमने सामने होगी। वनडे सीरीज में पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान होंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच वनडे सीरीज का आगाज 24 नवंबर से हो रहा है। वहीं पाकिस्तान जिम्बाब्वे सीरीज के लिए अपनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। वनडे और T20 दोनों सीरीज के लिए बाहर बाबर आजम और तेज गेंदबाज शाहिन शाह अफरीदी को स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया है।